गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कुछ मैम। मैम जैसे थर्ड पीरियड जीके का है, पंकज सर का है, तो फिर उसमें मैथ है, दो पीरियड है ना मैम? जैसे थर्ड पीरियड तो पंकज सर पढ़ाते हैं। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। नहीं उसको बोलने दो ना, क्या है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। जबकि आपको पता है कि हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए और अभी हम पढ़ाएंगे, तो ये टॉपिक करने में से क्या मतलब है? बोलो आपका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है चलो, असाइनमेंट 1.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये सर नो असाइनमेंट 1.3 कंप्लीट है या नहीं? यस मैम। यस मैम। आज हम असाइनमेंट 1.4 पढ़ेंगे। असाइनमेंट 1.4 ये क्या है? 1.4 में हम क्या पढ़ेंगे ना, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, रेशनल नंबर के ऊपर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप ये वर्ड प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर रखे हो, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है आपको पता ही है, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे दे दिया जाएगा, एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवाइड हो, ठीक है, कुछ भी एक एप्लीकेशन के ऊपर वर्ड में लिखा जाएगा और उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है? तो वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आप इंटीजर के ऊपर सॉल्व कर चुके हो, नेचुरल नंबर के ऊपर सॉल्व कर चुके हो, ठीक है? अभी हम देखेंगे क्या ये वर्ड प्रॉब्लम रेशनल नंबर के ऊपर कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? रेशनल नंबर में से ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जिसको आता है वो सॉल्व कर लेगा। वर्ड प्रॉब्लम और कुछ है ही नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में बस क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन में से क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, ठीक है? इतना समझ में आ गया। और उसके साथ साथ कैलकुलेशन जिसको आता है वो बच्चा आसानी से ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान चीज है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 1000 किलोमीटर 400 मीटर। एक ट्रेन ट्रैवल करता है कितना डिस्टेंस, 1000 किलोमीटर 400 मीटर, और कितना टाइम है, 15 1/2 hours 30 मिनट्स में से वो क्या करता है ना, 1000 किलोमीटर 400 मीटर तक वो ट्रैवल कर लेता है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के तरफ से हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस क्या है ना, 1000 किलोमीटर 400 मीटर, ठीक है? तो ये किलोमीटर और मीटर में है, उसको हम एक यूनिट करेंगे, आइदर मीटर में कन्वर्ट करो नहीं तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है? हम किलोमीटर में कर देंगे। 1000 किलोमीटर प्लस ये 400 मीटर को किलोमीटर करेंगे, मीटर को जब किलोमीटर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं दोनों गैप, ओके? इनको 400 को 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम 1000 से क्यों डिवाइड किए ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है? मीटर को किलोमीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, हम 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये देखो 2 0 कट जाएगा, 2 से कटो, 2 2 4 5, ठीक है? यहाँ पे कितना है ना, 1000 प्लस ये कितना है ना, 2/5 कट दे दो, ये टोटल क्या है किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। किलोमीटर मीटर के हिसाब से था, अभी क्या हो गया, ये किलोमीटर हो गया, ठीक है? इसको ऐड कर दो, एलसीएम ले लो 5, हो जाएगा 5000 प्लस 2, ठीक
ठीक है, कितना किलोमीटर में, फिर ये कितना हो जाएगा 5002/5 किलोमीटर। इसको बस इसके नीचे लिखने के लिए जगह है नहीं तो मैं इसको क्लीन करती हूँ, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिस्टेंस कितना है ना, 5002/5 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कितना निकला 5002/5 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टाइम बताओ, टाइम क्या दे रखा है 15 1/2 hours 30 minutes। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, आवर्स को कन्वर्ट कर देंगे। ये देखो 15 1/2 hours, इसको ये अभी क्या है नेक्स्ट में है, इसको इंटरप्रेट कर दो 15 31 31/2 hour प्लस ये 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करें। मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 से कट 31 जा, 2 जा, ये हो गया क्या 31/2 hour प्लस 1/2 hour। ठीक है, 31/2 + 1/2 क्या आवर हो गए, मैं बेल्चिंग ले लूँ 2, ये 31 + 1 क्या आवर, ये कितना हो जाएगा ना 32/2, तो 2 से काटो 16 हो जाएगा, तो 16 hours। ठीक है, टाइम कितना आया 16 hours, डिस्टेंस आपके सामने है क्या 5002/5 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हमें क्या निकलना था, क्या निकलना था, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वो क्या चाहिए, स्पीड कैसे निकालते हैं, कोई बता पाएगा स्पीड कैसे निकालते हैं, मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस कितना है ना 5002/5 किलोमीटर पर, टाइम कितना है 16 आवर्स। ठीक है, ये भी देखो क्या हो जाएगा 5002/5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1/16 आवर्स। ठीक, ये कट रहा है जब काट दो, 2 से कट रहा है 2 एड जा 16, ये 2 से काटो 2 जा 4 बाय 13 1। ठीक है, तो कितना आया 2501/5 किलोमीटर पर आवर। ये देखो इंप्रॉपर में है, ठीक है, ये इंप्रॉपर में है, उसको आप क्या करोगे अभी नेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कभी यहाँ तक आंसर छोड़ मत देना, ठीक है, उसको नेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करो 501 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना लगेगा, फिर से कितना 43 जा ज्यादा हो जाएगा 42 जा 80। ठीक है, ठीक, ये 21 अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो कितना आ गया ना 62/21/40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही है आपका आंसर। और कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है, ये लिख देंगे, तो ये कंप्लीट आंसर नहीं बना आपका। ठीक है, कंप्लीट आंसर यहाँ पे आके बनेगा कि 62/21/40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इम्प्रॉपर में आंसर आएगा, बट उसको आपको नेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपका 0.5 भी मार्क्स कहीं कटने वाला नहीं है, तो स्कूल अप टू 4 मार्क्स आपको मिल जाएगी, 5 मार्क्स की होगी तो 5 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन चैप्टर समझ में आ गया या नहीं बताओ। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डिस्टेंस दे रखा था, टाइम दे रखा था, स्पीड पूछने के लिए
पूछा था, स्पीड पूछा था, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसमें से लेंथी क्यों गया ना, ये रेशनल नंबर था, ठीक है। ये लेंथी क्यों हुआ ना, ये रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर को सॉल्व करने में थोड़ा सा डिवाइड कर दो आंसर लिख दो, ठीक है। तीन चार लाइन में खत्म हो जाता, बट ये रेशनल नंबर में था, तो रेशनल नंबर में थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी होता है, इसीलिए नहीं तो बात बहुत आसान है। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड हमें निकालना है, स्पीड फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें निकाल लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन में से किसी को डाउट नहीं होगा, होगा तो पूछ लो। ऑल आर क्लियर? नो नो डाउट है? क्लियर करके मुझे बताओ, डाउट है तो दोबारा समझाऊंगी, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। जो मैम वो टाइम टाइम कन्वर्ट करना नहीं आता है आपको, टाइम क्या दे रखा है, 15 1/2 hours 30 minutes दे रखा है, ठीक है। उसको मैं क्या किया ना, आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। मिनट में अभी हम कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, क्यों ना, हम डिस्टेंस को किलोमीटर में पहले कन्वर्ट करते रहते हैं, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करते तभी इसको सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड आती है, नहीं तो किलोमीटर पर आवर आती है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे ना, ये टाइम को आवर में कन्वर्ट, तो ये तो था आपका 15 1/2 जो था उसको हमने इम्प्रॉपर कर दिया, 15 2 30 ये 131 31/2 hours, ये 30 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये मोर दैट 1 hour = 60 minutes, ठीक है। 1 hour = 60 minutes, जब 1 hour 60 minutes होता है तो मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 30 मिनट को 60 से हम डिवाइड किए तो 0 0 कट गया, ये 3 3 = 3 बन गया, ये 3 2 हाफ आ गया, हाफ आना हो गया। फिर ये दोनों का ऐड कर दो, 31/2 प्लस ये हाफ एलसीएम ले लो, 2 31 + 1 32 हो गया, 32/2 उसको काट दो, 16 आवर्स, ठीक है। टाइम कितना आया, 16 आवर्स। डिस्टेंस हम निकाल रखे हैं, टाइम हम निकालिए अभी 16 आवर्स, तो स्पीड निकाल लिया, डिस्टेंस अपन टाइम। और कुछ डाउट है, और कुछ डाउट है क्या? नो मैम, ये समझ में नहीं आता है, समझ में आया साथ बैठ जाते हो, समझ में नहीं आया साथ बैठ जाते हो, तो मुझे किसे पता चलेगा आप समझ रहे हो या ऐसे वीडियो देख रहे हो, जैसे यूट्यूब वीडियो देखते हैं ऐसे देख रहे हो, मुझे यही लग रहा है। हमारे यहाँ पे क्लास चल रही है, आप पर मेरे में से इंटरेक्शन होना चाहिए, आप बताओ आपको समझ में आ रहा है तो यस मार्क बोलो, नहीं आ रहा है तो नो मार्क बोलो, हम दोबारा समझाएंगे कहाँ पे आपको समझ में आया, वो पॉइंट भी बताओ कि हमें इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया। सर कुछ नहीं बताते, शांत बैठ जाते, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है देखो, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू ध्यान से, कि अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड 15 2/5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर 100 मीटर। ये क्वेश्चन में से क्या दे रखा है ना, एक कार में जिसका स्पीड कितना दे रखा है, 15 2/5 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखा है, 15 2/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना दूर तक जाएगा वो दे रखा है, और उसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमें पूछा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 200 किलोमीटर
हंड्रेड मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, पूछा क्या ना टाइम पूछ रखा है, ठीक है, टाइम हमें पता नहीं कितना टाइम उसको लगेगा, जबकि उसका स्पीड कितना है ना 52.5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस उसको कितना दूर तक जाना है ना 200 किलोमीटर और 100 मीटर तक उसको जाना है, तो इतना दूर जाने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम यहाँ पे निकालना, ठीक है। तो ये जो स्पीड दे रखा है उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, ये मिक्स्ड में है, उसको अभी क्या करेंगे इंप्रॉपर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो 50 × 5 = 50, ये 2 52 अपॉन में 5 गुड, ऐसे बोला करो तो पता चलेगा कि हम बच्चे एक्टिव है, ठीक है। इतना हो गया स्पीड, पीछे देखो डिस्टेंस, ये जब किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 200 किलोमीटर प्लस मीटर जो है 100 मीटर उसको किलोमीटर करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर जाएगा ये हो गया, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होती है, तो मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 2 0 कट गया, ठीक है, बचा क्या ना 200 किलोमीटर प्लस 1000 फिर उसको कर दो 200 2000 किलोमीटर तो डिस्टेंस आपको पता चल गया और स्पीड भी आपको पता है, तो टाइम हम अभी निकालेंगे, टाइम फॉर्मूला क्या है, टाइम फॉर्मूला डिस्टेंस अपन स्पीड, फॉर्मूला ध्यान रखो भाई, मैम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस अपन मैम डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड, ठीक है, क्योंकि आपको जो पता है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपन टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इधर आ गया और स्पीड इधर आ जाएगा, ठीक है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड, एक फॉर्मूला भी आपका ध्यान रहेगा ना, तो बाकी फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर सकते हो, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आप खुद डिराइव कर लोगे, ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा ना स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, छोटो डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं हमें, तो टाइम पूछा था, हम टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है ना 2001 अपन 10 किलोमीटर डिवाइडेड स्पीड कितना है 252/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर बढ़ गया, तो ये कितना होगा 2001/10 मल्टीप्लाई 5/250 5 से कट जाएगा, देखो 5 1 5 2 ये कितना है आवर है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में से क्या आ जाएगा 2001/504 ये क्या है आवर है, उसको अभी क्या करना है हमें, ये तो आपका इंटर कर रहे हैं, उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के लिए क्या करते हैं हम डिवाइड क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे ना कितना आएगा पता है 3489/504 मैम, यस एक्सक्यूज मी, अभी मैंने मैम बुक के बैक में चेक करा, मैम आंसर सीट में, तो मैम वहां पर तो मैम मिक्स में नहीं है, बैक वाला मत देखा करो, ठीक है, बुक बैक वाला मत देखा करो, ठीक है, बुक बैक में जो आंसर दे रखा है वो तो दे रखा है 2001/504 यहाँ तक करोगे ना तो क्या होगा पता है, जैसे दोनों बच्चों के बीच में से कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, कंपेयर करेंगे दोनों बराबर ला रहे हैं, तो हम एक को ही लाना है, जैसे कंपटीशन में नहीं होती है, सही हो जाता है फिर दोनों में से कंपटीशन फिर से करते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, दोनों को दोनों का पेपर ले लेंगे और कंपेयर करेंगे इसको ऊपर नीचे कैसे कहाँ पे कटना है, वहाँ पे क्या करेंगे पता है कि एक बच्चा जैसे 2001/504 लिखा है, एक ने क्या किया है ना उसको मिक्स में कन्वर्ट करके लिखा है, तो उस केसेस में क्या करेंगे पता है
जो जिन्होंने मिक्स में किया है उसको फाइव दे देंगे, जिन्होंने नहीं किया है उसको फोर पॉइंट फाइव दे देंगे। ठीक है, हो गया ना दोनों के बीच में से कंपेरिजन। ठीक है, तो ये गलती मत करना। और एक चीज क्या है ना, हायर क्लास में जब जाओगे ये इम्प्रॉपर जो आंसर को ना आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप मिक्स में कन्वर्ट कर लो जब आपको पता है। ठीक है, शुरू से यादव डाल दो, सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके आगे और कुछ कर नहीं सकते। देखो 3489 अपन 504 आवर्स लिखने के बाद इसके आगे और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है। बट यहाँ तक आप छोड़ दोगे ना 2001 अपन 504 आवर्स, तो इसके आगे ये एक स्टेप है जो आपने नहीं किया, तो उसके लिए मार्क्स कट सकते हैं, टीचर काट सकते हैं। टीचर क्या काटेंगे, मैं काट लूंगी आपको जब मिक्स में कन्वर्ट नहीं करो। ध्यान रखना ये बात को। ठीक है, यस मैम। बात आई समझ में? मैम आपको yes, पता है इम्प्रॉपर को मिक्स करना, तो कर लेना, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ओके मैम। ये क्वेश्चन में से कुछ डाउट है बताओ। नो मैम, नो मैम, नो मैम। स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकलना था, डिस्टेंस अपन स्पीड बस निकल ली। इसमें से क्या डिफिकल्ट है बता पाओगे बच्चे, बताओ। बहुत आसान है फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकलना है, डिस्टेंस अपन फिट। हमें टाइम कहाँ पे लग रहा है बताओ, टाइम क्यों लग रहा है सॉल्व करने के लिए? सॉल्व करने के लिए हमें टाइम क्यों लग रहा है बताओ, इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? दिस इज द रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीजर दे देता ना, तीन लाइन में बात खत्म, तीन चार लाइन में आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, बट ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा लेंदी होती है। ठीक है, आप देख पा रहे हो या नहीं? यस मैम, यस मैम। मैंने कुछ गलत बोला नहीं ना? नो मैम। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस में से आपको तो आता तो है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपन फिर हम कर लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस मत रखने की हम कर लेंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, फिर आपका हाथ बिल्कुल पेन नहीं चलेगा आगे, उसको प्रैक्टिस करना है। रेशनल नंबर को लेंगे, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? आज ये असाइनमेंट 1.4 ना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कुछ है नहीं मैम, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बचे। यस मैम, तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अ बॉय हैज अ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 10/7 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 5/4 मीटर। ही वांट टू मेक 5 पीसेस फ्रॉम द कार्डबोर्ड बाय कटिंग एंड पेस्टिंग। Find the area of 3 such pieces. ये क्वेश्चन में से क्या दे रखा है ना, एक कार्डबोर्ड है जिसका लेंथ कितना है 10/7 मीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना है 5/4 मीटर। ठीक है, तभी ये जो कार्डबोर्ड का शेप कैसे होगा बताओ, लेंथ दे रखा है, ब्रेथ, ये रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैम एल इनटू बी, एल इनटू बी। ठीक है, एल इनटू बी, मैम एल इनटू बी। ओके, तो ये 10/7 मल्टीप्लाई 5/4 मीटर स्क्वायर, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो। कि कट रहा है तो काटो, पहले 2 से कट रहा है 2 2 जा 2 से कटो 5, और कुछ कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो 5 5 जा 25/7 2 जा 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कार्डबोर्ड का एरिया पता चल गया सबको कि 25/14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सपोज मैं फिगर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है, और
ये कार्डबोर्ड का एरिया हमें पता चल गया, नहीं जब एरिया पता चल गया, एरिया मीन्स क्या है, ये पूरा अंदर का पार्ट एरिया है एरिया आपका, ये कार्डबोर्ड को फिर से वो बॉय ने क्या किया ना, पांच पीस कर दिया, पांच टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसलिए एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये एक पीस बना दिया, दूसरा पीस करवा दिया, पांच पीस बन गया, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच पीस बनाया, पांच पीस बना दिया, तो बताओ अभी ये टोटल एरिया आपको पता है 25/14 मीटर स्क्वायर, इसको जो पांच पीस में डिवाइड कर दिया, तो एक पीस का एरिया कितना होगा, बताओ एरिया ऑफ वन पीस, मैम एरिया ऑफ वन पीस होगा मैम टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 5, वेरी गुड, एरिया ऑफ वन पीस निकालेंगे ना, टोटल एरिया जो है डिवाइडेड 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ना 25/14 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है मैम 5/14 आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 5 हो जाएगा 5 कट गया, ठीक है 5/14 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हुआ ना वन पीस का एरिया दे दिया, देन पूछा कितना ना 3 पीस का एरिया, क्योंकि उसको 3 पीस लेना है, 1, 2, 3 ले लेगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ 3 पीसेस, ठीक है क्या करेंगे बताओ मैम 5/14 × 3/1, तो क्या करेंगे देखो एरिया ऑफ वन पीस, एक पीस का एरिया दे रखा है, 3 पीस का एरिया निकालना है, तो एक को देके जब ज्यादा तो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 5/14 × 3, तो अभी मल्टीप्लाई कर दो 5 × 3 = 15, मैम आंसर आएगा 5/14 मीटर स्क्वायर, 5 × 3 = 15, 15/14 मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये तो पूछा ना, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो पूछो, नो मैम नो मैम, ये बहुत नो मैम, ये कार्डबोर्ड का लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, तो उसका एरिया निकाल लो 25/14 मीटर स्क्वायर हो गया, आपके सामने में ये कार्डबोर्ड है, फिगर आप देख पा रहे हैं, ये कार्डबोर्ड को फिर से उन्होंने क्या किया ना पांच सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, पांच पीसेस कर दिया, 5 पीसेस जब कर दिया तो टोटल पीस का एरिया हमें पता है, पांच पीस कर दिया तो एक पीस का एरिया हम निकालेंगे, पांच से डिवाइड कर देंगे, आ गया एरिया ऑफ वन पीस 5/14 मीटर स्क्वायर, बस पूछा क्वेश्चन में से क्या था ना एरिया ऑफ थ्री पीस का एरिया पूछा था, तो जब एक को देके ज्यादा तो पूछता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 5/14 मल्टीप्लाई 3 तो 15/14 मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर, ओके गाइस, ठीक है आज के लिए इतना ही है, ठीक है बाय बाय, टेक केयर फॉलो।